आगरा की तहसील बास एक ग्राम पंचायत फरेरी में ग्राम रत्न पुत्र छोटे लाल का पुस्तैनी मकान बना हुआ है। वहाँ कुछ मकान खंडर पड़ा हुआ है। खंडर पड़े मकान में पशुओं का घर बना हुआ है, जिसे लेकर दो पक्षों में गहमा गहमी हो गई और एक पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। मैं टीवी वन इंडिया न्यूज से भूपेंद्र सिंह चौहान ग्राम होलूपुरा में खड़ा हूँ। यहाँ विवादित जगह है, इनकी जगह पर दूसरे दबंगों ने बैनामा करा लिया है। पार्टी को तब पता लगा जब यहाँ आके दबंगों ने खूंटा गाड़ा, 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर वालों ने आके इन दोनों पार्टियों को समझाया। समझाने के बाद कहा जिसने फर्जी बैनामा किया है उस पार्टी को बुला लो, आप खूंटा गाड़ सकते हो, अन्यथा नहीं। तो जो फर्जी बैनामा किया है वो आज तक उसका पता नहीं, ना एक गाँव का रहने वाला है, पता ही नहीं किसके द्वारा इसको फर्जी कराया। अपनी ज़मीन में किसी गांव के राजू नाम से बैनामा करा लिया है, किसी फर्जी, किसने कराया, विनोद कुमार ने बैनामा कर दिया है फर्जी तरीके से, और इनके ज़मीन में आके यहाँ खूंटा खूंटा गाड़ा है। तब इनको पता लग गया कि हमारी ज़मीन का बैनामा किसी गांव के दबंग ने बैनामा करा दिया है। यहीं पर रहती है पुस्तैनी करीब 20 साल से। प्रधान जी ने भी लिखित में दिया है कि 20 साल से यही रह रहे हैं। दिखाओ क्या है, ये झोंपड़ी डली है, 3 सेट पड़ा है, हेडपम्प लगा है इनका निजी। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के जगतपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा काजियाना की ग्राम मुतवल्लीपुर राणा साहब में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य MLC कोटे से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में कोटेदार व जेई की मिलीभगत से घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार पीले ईंटों और पहले से लगे पुराने ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही रोड पर पीले ईंट की गिट्टी डाली जा रही है, जिसको लेकर जेई से शिकायत की गई तो उनका कहना था कि इसी तरह से बनाई जाती है। इस पूरे मामले को लेकर CM योगी से लेकर रायबरेली DM तक को भी ट्वीट किया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। रायबरेली में बाल मजदूरी का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में नाबालिग बच्चों से कार्य कराने की खबर अखबारों और चैनलों में चर्चा का विषय बन रही है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर आश्वासन है, जिससे ठेकेदारों और प्रधानों के हौसले बुलंद है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक और सूबे के मुखिया जन सुनवाई जनता दरबार और अधिकारियों को ट्विटर पर तुरंत शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं कर्मचारियों के कान पर इस तरह की शिकायत मिलने पर जू तक नहीं रेंगती। इस तरह कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार, भगवान ही मालिक है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राजेश यादव की रिपोर्ट, रायबरेली। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के देवानंदपुर लखपत नगर के मकानों के ऊपर से बिजली विभाग के द्वारा निकाली गई 1,32,000 की वी लाइन का तार बीच में आ जाने से तेज तूफान के कारण लटक कर छतों के ऊपर आ गया, जिसकी शिकायत वहां के रह रहे लोगों ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों को लिखित रूप में दी। लटके हुए तारों को दुरुस्त न करते हुए बदले में बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने 3 दर्जन परिवारों को 15 दिन के अंदर घर खाली करने व तोड़ने की नोटिस थमा दी, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। वहीं रह रहे अखिलेश ने हमारे संवाददाता राजेश यादव से मिलकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपनी समस्याएं बताई कि हम लोगों के ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है, हम लोग अपनी छतों पर भी नहीं जा सकते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए जिसकी सूचना संबंधित विभाग अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही, और साथ ही में ये भी कहा कि हमारी लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो लॉकडाउन के दौरान भी धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राजेश यादव की रिपोर्ट, रायबरेली। देश में लागू लॉकडाउन ने जहां हर किसी की कमर तोड़ दी है, वहीं लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा बैंड बाजा पार्टियों पर पड़ी है। जहां एक तरफ बैंड वालों की सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, वहीं लॉकडाउन के बढ़ते दिनों ने उनके सामने भुखमरी के हालात पैदा कर दिए हैं। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से जूझते बैंड पार्टी के संचालक सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शकीला, अभी जैसे आपके हस्बैंड जो है वो बैंड पार्टी जो ग्रुप चलाते हैं, अभी लॉकडाउन है, उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है आपको अपना घर चलाने में? बहुत दिक्कत होता है, और लड़कियों के पढ़ाना है, पढ़े के दिक्कत होता, अब खाना कपड़ा की दिक्कत होता, त्योहार आ गया इसमें तब सब कुछ हमारा दिक्कत हो रहा है, कैसे घर का खर्चा चलाएंगे करेंगे। हाँ, तो हमारा
बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग लड़की का ब्याह शादी करना है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शशि कुमार की रिपोर्ट, बलिया यूपी। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में शनिवार को युवा कांग्रेसियों ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। युवा कांग्रेसियों की माने तो प्रवासी श्रमिकों की मदद करने गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की असंवैधानिक तरह से गिरफ्तारी व प्रदेश में फैली अव्यवस्था आदि के लिए सीएम योगी को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं सरेनी विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस हर्ष भदौरिया। आप किस चीज़ का आयोजन किया गया? आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से कामना करते हुए हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें माननीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयासों को जो बसें उन्होंने भिजवाई बॉर्डर पर, योगी जी की अनपढ़ बुद्धि के कारण उनको वापस किया गया। हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को, जो जनता की सेवा करने में तत्पर थे, उस तत्परता को देखते हुए वो काफ़ी विचलित हो गए। योगी जी ने उनको जेल में डालकर ये एक बहुत ही कृतज्ञ कार्य किया है, जिससे गरीब मजदूर और भी ज़्यादा इनसे क्रोधित और निराश हो चुके हैं, क्योंकि उनकी एक आस कांग्रेस पार्टी रह चुकी है जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। परिचय बता दीजिए। सुमित यादव, महासचिव युवा कांग्रेस रायबरेली। आज किस चीज़ का आयोजन किया गया? आज युवा कांग्रेस रायबरेली के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हम सब युवा कांग्रेस के लोगों ने एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, जिस आयोजन का हेतु ही है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि देखा गया पिछले 15-20 दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा करने का काम किया है। हाई वोल्टेज ड्रामा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी और हम सबकी नेता प्रियंका गांधी ने 1000 बसें बाजार पे भेजी, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे गए, तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन जब उनकी कुछ नहीं चली तो एट लास्ट उन्होंने परमिशन नहीं दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर बसें नहीं आ पाई और बसें वापस लौटी। उसके बाद जब हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक हैं जो कि तमकुही राज के, उन्होंने वहां जाके प्रशासन से विनती करने के बाद बसों को लाने का प्रयास किया तो उनको उठा के जेल भेज दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण काम है। और मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको सद्बुद्धि दे और उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया को सबका साथ लेके सबका विकास, उनका ही नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी को लेके पूरे प्रदेश के विकास के लिए आम आदमी और प्रवासी मजदूरों के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको करने का काम किया जाए, जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके। बस इतना ही निवेदन है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं राघवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस रायबरेली। आज किस प्रकार का प्रोग्राम किया गया? आज हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। उसका कारण यह है कि सबसे पहले हमारी माननीय उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी ने यहाँ 1000 बस मजदूरों के लिए भेजी थी, जिससे मजदूर अपने सुगमता से आवागमन कर सके, लेकिन योगी जी ने उसको एन कैन कारण बताकर उसको वापस कर दिया। दूसरी बात है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जो गरीबों और मजदूरों के मसीहा हैं, उनको असंवैधानिक तरीके से उनको जेल में डालने का जो कार्य किया है वो बहुत गलत काम किया है, इसलिए उनको सद्बुद्धि दे, इसलिए हमने सद्बुद्धि का आयोजन किया है। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से मजदूर दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश में आ रहे हैं उस प्रदेश में भी रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन अब मैं इस तरीके देख रहा हूँ कि पूरे जिले, आप तो स्वयं पत्रकार हैं आप भी देखते होंगे कि गांव में जो भी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, उनको राशन की भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो उनको इस यज्ञ के माध्यम से हम लोग भगवान से विनती करते हैं कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो गरीब मजदूर और ये जो हमारी उत्तर हमारी प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी जो उनके कार्यक्रम में अपना हाथ बटाना चाहती हैं वो सद्बुद्धि मिले, ताकि वो विपक्ष का भी सहयोग ले और उसी भी तरीके से मजदूरों की मदद हो, मजदूरों की मदद होनी चाहिए। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, रायबरेली।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा कि सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, गरीब जनता खाना खाने को मोहताज है, लॉकडाउन में लोगों का रोजगार छिन गया है तो वहीं लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इस विपदा में हमारे प्रधानमंत्री महोदय लोगों की भूख मिटाने की चिंता न करते हुए अपने एक साल का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है और आप पत्र लिख रहे हैं। आज जनता को आपके पत्र की जरूरत नहीं, पत्र से पेट नहीं भरता। आप हर गरीब के खाते में 10,000 रुपए भेज दे। आज समूचा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बीमार हो चुके हैं, लाखों लाख उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी आज अपने एक साल के कार्यकाल पे पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आज पत्र की नहीं पैसे की आवश्यकता है। यदि आज पत्र की जगह पे गरीबों के खातों में आप 10,000 रुपए डाल दिए होते तो आज वो आपका गुणगान करते, लेकिन आप अपने गुणगान में लगे रहे। आप अपना गुणगान तो कभी भी कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ सुनिए, गरीबों की आवाज़ सुनिए, विपक्ष की आवाज़ सुनिए। पत्र नहीं लोगों के खातों में पैसे डालिए। आदरणीय मोदी जी, पैसे चाहिए, पत्र नहीं पैसे चाहिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू कुमार यादव की रिपोर्ट, देवरिया। उत्तर प्रदेश के थाना इमलिया सुल्तानपुर के काजी कमालपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम तुलसीपुर में एक 25 वर्षीय महिला की जहर खाकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर महिला के परिजन मौके पर पहुंचकर ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। मृतक महिला के भाई ने बताया कि उसने अपनी बहन अंजनी का विवाह 3 वर्ष पूर्व ग्राम तुलसीपुर में विमलेश पुत्र दीना के साथ किया था। महिला के भाई ने यह आरोप लगाया कि ससुराल वाले आए दिन उसकी बहन को दहेज को लेकर उसे परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट किया करते थे और उन्होंने मोटरसाइकिल की मांग की थी, जबकि हम लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। साथ ही भाई ने ये भी आरोप लगाया कि इसी को लेकर उसकी बहन को जहर खिला दिया गया है और उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही काजी कमालपुर चौकी इंचार्ज शशांक पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर उन्होंने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैसे भैया, भाई साहब बताइएगा। शादी करे 3 साल हुए हैं जी, और जहर खिला दिया है इन लोगों ने, पता भी हमको नहीं दिया है। जहर घर वाले खिला दिया? हाँ, घर वाले खिला है। कब की घटना है ये? आज की घटना है, कल शाम में 4 बजे। अब गांव वाले बता रहे हैं कि 4 बजे यहाँ से लेके गए हैं। अच्छा, किसको भी आई थी, उसका नाम क्या है? विमलेश। अच्छा, ऐसे जो लड़की खत्म हुई, इसकी उम्र क्या है? उसकी है 25 साल। अभी ने कहा? अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे मिली? सूचना हमें दिया नहीं, हमारा भाई एक किसना ले गवारा रन्नूपुर, वहाँ लोग पूछ कह रहे हैं जहर खाई तो वो कहाँ खाई तो वो लोग बताएं, कहीं बताए ना जाए कि ऐसा ऐसा है, तब बताएं कि ऐसा हुई गवा है। अच्छा, लड़की लड़की का मैक कहाँ है? मैक यहाँ है, खतरा यहाँ यहाँ तुलसीपुर ससुराल है। तुलसीपुर ससुराल है। अच्छा, इसकी आपने थाने में कोई सूचना करी? हाँ, थाने में करने सूचना नहीं का। ये बता सकते हो कितने लोगों ने खिलाफ एप्लीकेशन दिया? खिलाफ ज्यादा लोगों ने, 2 लोगों ने। आपका क्या नाम है? राकेश। किस गांव के रहने वाले हो? घर के तारा। लड़की के कौन हो आप? हम भाई हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आशुतोष अग्निहोत्री की रिपोर्ट, सीतापुर।